हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में कोविड वैक्सीन से रिलेटेड एक न्यूज़ रिलीज़ हुई है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि कोविड के टाइम सब लोगों ने वैक्सीनेट किया है। तो एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी है जिसने कोविड वैक्सीन को बनाया है, और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसी वैक्सीन की टेक्नोलॉजी को लेते हुए इंडिया में वो कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाया है। तो अभी लोग इतने पैनिक क्यों कर रहे हैं कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है या जो कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ने बनाया, उसने ये पुष्टि की है कि उसके वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों में बहुत ही रेयरली एक सिंड्रोम पाया गया है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर प्लेटलेट के काउंट्स कम हो जाते हैं, ब्लड का थक्का जमने लगता है, और पर्सन के अंदर सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट पेन होना, हेडेक होना, ऐसे सिम्टम्स वो पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको अब घबराना चाहिए, या आपको अब TTS नामक सिंड्रोम हो सकता है कोविड वैक्सीन की वजह से? तो फ्रेंड्स, कोविड वैक्सीन की वजह से या कोई भी वैक्सीन की वजह से किसी भी पर्सन को उसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। जैसे नॉर्मली फीवर रहता है, वैसे ही कोविड वैक्सीन की वजह से जो ये TTS नामक सिंड्रोम है वो मिलता है। बट ये सिंड्रोम होने के चांसेस वैक्सीन लगने के 1 से 6 हफ्ते के अंदर ही होता है। तो हमने 2019 में जो कोविड का जो महामारी आई थी, उसके बाद में 2021-2022 में कोविड वैक्सीन लिया है, तो हमें 2 साल के अंदर भी अगर कोई नॉर्मली वो 6 वीक के अंदर है वो ये सिंड्रोम हो जाता है, अगर तब तक हमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स नहीं हुए हैं, तो उस वैक्सीन लेने की वजह से अब हमें कुछ होगा, अब हमें हार्ट अटैक आएगा, ऐसा कोई भी चीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, हमें इससे रिगार्डिंग है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पर्सन ने कोविड वैक्सीन लिया है और अब उसे हार्ट अटैक आ रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो वो उसकी को एग्जिस्टिंग कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उसे ब्लड प्रेशर का इशू रहा होगा, उसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी या फिर वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही होगी, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया होगा। और ये न्यूज़ आने के बाद में इमिडिएटली लोगों ने ये कोरिलेट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें भी कोविशील्ड की वजह से जो इश्यूज हुए हैं, कार्डियक अरेस्ट आया है, ये सब चीज़ें होने लगी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसके रिगार्डिंग घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो अभी इतना लेट है वो देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, टेंशन ना लीजिए, आप अच्छे से वैक्सीनेट हो चुके हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, योगा करें और वो हेल्दी फूड इनटेक करें, तो आपको बाकी सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड और कुछ ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड वो अपडेट्स वो पा सकें। थैंक यू।